हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस पॉजिटिव यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पॉजिटिव लाइफ टॉक्स। माय नेम इज दीप ठक्कर और आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक पॉजिटिव थॉट लेकर। और आज के इस दीप टॉक्स की सीरीज में हम एक पॉजिटिव थॉट के बारे में बात करेंगे और उससे हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और कुछ ना कुछ लर्निंग लेने का भी ट्राई करेंगे। आज की जो हमारी दीप टॉक्स सीरीज का जो पॉजिटिव थॉट है उसमें हम बहुत सारी पॉजिटिविटी के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हम एक छोटी सी कोई पॉजिटिव लर्निंग या फिर एक छोटा पॉजिटिव चेंज हम अपनी लाइफ में लाने वाले हैं। तो बिना किसी वक्त को ज़ाया किए हुए बढ़ते हैं आज के इस पॉजिटिव वीडियो की तरफ और चलिए पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं। So today's positive thought is, if you got positivity from someone, then that person gave you a wonderful gift. Keep meet that person. Thought को पढ़ के आपको थोड़ा बहुत ये समझ में शायद आ गया होगा कि हम आज positive atmosphere या फिर positive environment के बारे में कुछ ना कुछ बात करने वाले हैं। आजकल की हमारी जो life है, जो lifestyle है most of the people की, हर की भागदौड़ वाली जो life है, कभी ना कभी हमें कोई एक moment पे ऐसा feel होता है कि कभी ना कभी हमें कोई ऐसे इंसान को या फिर कोई ऐसे आदमी को मिलते हैं जिससे हमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जी जैसा फील होता है। कभी ना कभी हमको ऐसे व्यक्ति को मिलते होंगे जिससे हमें लगता है कि नहीं, आज इससे बात करके मज़ा आया, आज इससे बात करके कुछ अलग फील हुआ, हर्ज की लाइफ से कुछ अलग चेंज हमें देखने को मिला, कुछ हमारे एक पूरे जो दिन का जो हमारा समय रहता है उसमें कुछ एक समय हमारे पास ऐसा रहा जिसमें हमें कुछ अलग फीलिंग आई। कभी कभी हमारी लाइफ में हम कुछ एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं या फिर कुछ ऐसे व्यक्ति से हमारी मुलाकात होती है जिससे हमें उसके थॉट प्रोसेस या फिर उसके बात करने के तरीके से, उसके कोई भी एक थॉट से हमें कुछ ना कुछ लर्निंग मिलती है या फिर हमें लगता है कि हाँ, आज का ये दिन का जो ये हिस्सा था, जो इस व्यक्ति से बात हुई उससे कुछ ना कुछ एक अलग फीलिंग आई, कुछ एक अलग पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमें फील हुआ या फिर एक पॉजिटिव एनर्जी हमें फील हुई। हमारी हर एक की लाइफ में कोई एक पर्सन, मिनिमम एक पर्सन ऐसा होता है जिससे हमें बात करके कुछ अच्छा फील होता है, कुछ एक अलग पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जिससे हम बात करना पसंद करते हैं, बार बार हमें लगता है कि हम इस व्यक्ति से बात करें। और भले वो कोई भी हो सकता है, आपका कोई भी फ्रेंड, आपका कोई फैमिली मेम्बर जिससे आपको लगता है कि मैं बार बार इससे बात करूँ और कुछ ना कुछ अपनी फीलिंग या अपनी कोई भी इमोशन से वो उससे शेयर करूँ। क्योंकि कोई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बात से या अपनी थॉट प्रोसेस से कुछ एक पॉजिटिव पंच या फिर कोई पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके जाते हैं, कहीं भी वो जाए तो उससे ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से हो रहा है। वो फीलिंग एक अलग होती है, अगर आपने वो महसूस किया है तो आपको पता होगा कि हाँ, ये फीलिंग आती है और ये एनर्जी का कुछ पावर है जिससे हमें पॉजिटिविटी भी मिलती है और हमारी माइंड को या फिर हमारी बॉडी को अच्छा लगता है। सो दैट पॉजिटिव एनवायरनमेंट, दैट पॉजिटिव एनर्जी यू गॉट, इट इज़ अ वंडरफुल गिफ्ट। अगर आपको दिन में कहीं पे भी ऐसी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तो आपका पूरा दिन सुधर जाता है, आपकी मेंटल हेल्थ पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको खुशी मिलती है और इट क्रिएट्स अ डिफरेंट थिंग। वो फीलिंग अगर आपको हुई है तो आपको पता होगा कि हाँ, इस चीज़ में मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि वो फीलिंग हमें हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता, कहीं बाद में जाकर रियलाइज़ होता है कि हाँ, यहाँ पे ये चेंज दिख रहा है अगर हम उस चीज़ को बराबर से एनालाइज करते हैं। तो इस थॉट के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति हमें कोई ऐसी पॉजिटिव एनर्जी या फिर कोई ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट ट्रांसफॉर्म करता है तो पहले तो उस व्यक्ति को हमें थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से हमें अच्छी फीलिंग आई है, हमारा दिन सुधरा है या फिर हमें कुछ ना कुछ अच्छी लर्निंग उससे मिली है। तो अगर कोई भी व्यक्ति आपको ऐसी पॉजिटिव एनर्जी देता है या फिर पॉजिटिविटी देता है, सो कीप मीट दैट पर्सन। द पर्सन हैव गिव यू अ वंडरफुल गिफ्ट, उसने आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा काम किया है। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी अगर कहीं से मिलती है तो अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें हमें एक अच्छा बूस्ट मिलता है, हमें अपनी लाइफ गोल के बारे में या फिर हमारे नज़रिए के बारे में बहुत ही अच्छा चेंज भी मिलता है। और वो जो एक चेंज होगा वो बहुत ही पॉजिटिव चेंज होगा अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ गोल में या फिर आपके जो भी गोल के या फिर सक्सेस को देखने का नज़रिया है या फिर पॉजिटिव चीज़ों को देखने का नज़रिया है, चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखने का नज़रिया है, वो बहुत ही अच्छा होगा और आपको इससे बहुत सारी मोटिवेशन भी मिल सकती है। सो उस व्यक्ति को मिलते रहिए, उससे अपनी बातें शेयर करते रहिए और अपने लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी को फील कीजिए। इसके साथ साथ हमें भी खुद को भी एक ऐसा पर्सन बनने का ट्राई करना है जो कहीं ना कहीं कोई छोटी सी पॉजिटिविटी किसी और तक शेयर कर पाए। पॉजिटिव चीज़ें शेयर करने के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी हर रोज़ एक काम कर रहे हैं, आप भले थोड़े बहुत मायूस है, उस मायूसी के पीछे कुछ ना कुछ कारण हो सकता है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति आपके सामने आता है तो आपका एक छोटा सा स्माइल, आपका एक छोटा सा
काइंड जेस्चर भी उसकी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकता है, एक भी पॉजिटिव चेंज क्रिएट कर सकता है। सो इफ यू कैन टेक पॉजिटिविटी फ्रॉम समवन देन यू कैन शेयर इट ऑल्सो। अगर आप ये वंडरफुल गिफ्ट किसी के पास से ले रहे हैं तो आप उसको तो थैंकफुल है ही, लेकिन अपने छोटे कोई भी एक काम से या फिर छोटे एक स्माइल से भी आप दूसरों से शेयर कर सकते हैं इस वंडरफुल गिफ्ट को, इस पॉजिटिविटी को। अगर लोग इस तरह से पॉजिटिविटी शेयर करेंगे तो एक अलग पॉजिटिव एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सकता है। आप में से कई लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारे आसपास तो कोई ऐसे पीपल ही नहीं है, हमारे आसपास तो सारे नेगेटिव लोग होते हैं, क्योंकि नेगेटिव लोग ज़्यादा है मुझे पता है। लेकिन जहाँ ऐसी जगह है वहाँ आप इनिशिएटिव ले सकते हैं, आपको पहले पर्सन बन सकते हैं जो कोई पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर सके या फिर कुछ एक छोटी सी पॉजिटिविटी शेयर कर सके। अगर आसपास ऐसे ही लोग हैं तो आप तो वो पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं ना, आप में तो वो दमखम है, तो आप ये पॉजिटिव चीज़ें शेयर कीजिए और एक छोटी सी पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए और आपका दिन बहुत ही अच्छा जा सकता है। आई नो हमारे आसपास नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा है और हम उसको पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिविटी हमेशा कोएग्जिस्ट रहती है पॉजिटिविटी के साथ। लेकिन अगर हमारे आसपास सारी नेगेटिव चीज़ें हैं तो हम खुद तो इनिशिएटिव ले सकते हैं, हम खुद तो पॉजिटिव होने का ट्राई कर सकते हैं। कोई भी छोटी चीज़ से हम पॉजिटिविटी फैला सकते हैं, कोई भी एक छोटी शुरुआत से हम पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना सकते हैं। अगर आप अपने दिन की शुरुआत एक छोटे से पॉजिटिव स्माइल से या फिर एक छोटे से पॉजिटिव चेंज से करोगे तो कितने भी भले प्रॉब्लम्स होगी लेकिन उसका सॉल्यूशन आप पॉजिटिव माइंड से सोचोगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी और बिलीव मी वहाँ पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आप बना सकते हो। सो क्रिएट पॉजिटिविटी, स्प्रेड पॉजिटिविटी, टेक पॉजिटिविटी एंड कीप मीट दैट पर्सन हु शेयर्स पॉजिटिविटी। सो बस कैसे एक छोटे से पॉजिटिव थॉट के साथ हमने इतना बड़ा मैसेज ले लिया कि कैसे हम दूसरों से पॉजिटिव चीज़ें लेकर और दूसरों के साथ पॉजिटिव चीज़ें शेयर कर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे YouTube के एल्गोरिथम को पता चल जाए कि यहाँ पर अभी अभी एक पॉजिटिव एनर्जी का क्रिएशन हुआ है। और दूसरों के साथ पॉजिटिविटी शेयर करने के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने पॉजिटिव थॉट्स को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और ऐसे ही पॉजिटिव एंड मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, गुड बाय।